हेलो, माय नेम इज वेद एंड आई वेलकम यू टू प्रोग्राम योर माइंड। आज मैं आपके साथ साइंटिफिकली शेयर करने वाला हूं कि क्यों ऐसा होता है कि हम सब एक ही एक्सटर्नल वर्ल्ड में रहते हैं, उसके बावजूद हम सब के बिहेवियर्स अलग अलग होते हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि हमारा इंटरनल वर्ल्ड डिफरेंट है और हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करते, इंटरनल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है और आपकी जिंदगी में आपका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल के रख देगी। लेकिन मैं चाहता हूं इस वीडियो में हम आगे बढ़े, उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप लाइक बटन को जरूर हिट करें, और अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगती है तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके शेयर करिए जिनकी आप परवाह करते हैं, राइट? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं साइंस ऑफ माइंड एनएलपी के अकॉर्डिंग कि ऐसा क्यों होता है कि हम सबका एक्सटर्नल वर्ल्ड सेम होने के बावजूद हम अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, राइट? तो दुनिया में हमेशा इवेंट्स हो रहे हैं, हमारी जिंदगी में हमेशा इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स आर ऑलवेज टेकिंग प्लेस इन आवर लाइफ। लेकिन जब भी हम किसी भी इवेंट को देखते हैं, यानी कि किसी भी घटना को देखते हैं, तो उस घटना को समझने के लिए हमारे पास 5 senses होते हैं जो वर्क करते हैं। हमारी विजुअल सेंस, यानी कि हम चीज़ों को देख के समझते हैं, हमारी ऑडियो सेंस, हम चीज़ों को सुन के समझते हैं, हमारा टच सेंस, हम चीज़ों को टच करते हैं, फील करते हैं, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। टेस्ट का सेंस, जिसे हम गस्टेट्री कहते हैं, जब किसी भी चीज़ को हम टेस्ट करते हैं तो वो मीठा है या फीका है या तीखा है, ये हमें हमारे टेस्ट वर्ड्स बताते हैं। और लास्ट है ऑल्फैक्ट्री, यानी कि स्मेल सेंस, जब हम स्मेल करते हैं तब हमें पता चलता है कि इस रूम में फ्रेग्रेंस है या इस रूम में कोई फाउल स्मेल है, राइट? तो ये 5 senses वर्क करती हैं किसी भी इवेंट की, यानी कि हमारी जिंदगी में जो भी घटना हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन को परसीव करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो 5 senses के थ्रू हम किसी भी इवेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, रिसीव करते हैं, यानी कि इवेंट हो रहा है और हमारे 5 senses वर्क कर रहे हैं, विजुअल, ऑडियो, काइनेस्थेटिक जिसे हम फीलिंग कहते हैं, गस्टेट्री जिसे हम टेस्ट कहते हैं, एंड ऑल्फैक्ट्री जिसे हम स्मेल कहते हैं। अब यहां से 5 senses इस इवेंट की इंफॉर्मेशन को कैप्चर करती हैं, रिसीव करती हैं, और किसे प्रोवाइड करती हैं? ये प्रोवाइड करती हैं इस इंफॉर्मेशन को हमारे ह्यूमन ब्रेन को, राइट? और अगर मैं ब्रेन को कुछ ऐसे ड्रॉ करूं तो आप जानते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। लेकिन हमारी सेंसेस कितनी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगी, यानी कि उस इंफॉर्मेशन की क्वांटिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये जिस चीज पे डिपेंड करता है इसे हम कहते हैं सेंसरी एक्यूटी, यानी कि एक्यूरेटनेस ऑफ योर सेंसेस, राइट? तो ये इंफॉर्मेशन जो रिसीव हो रही है ये हमारे ब्रेन को पहुंचेगी, लेकिन कितनी पहुंचेगी ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ आवर सेंसरी एक्यूटी, सेंसरी एक्यूटी यानी कि एक्यूरेटनेस ऑफ योर सेंसेस, वहां से ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। अब ब्रेन में इंफॉर्मेशन जो पहुंची, इस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं परसेप्शन, क्योंकि अभी आपने क्या किया, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो हो रहा था उस इंफॉर्मेशन को परसीव किया है, तो इसे हम परसेप्शन कहते हैं, राइट? सो व्हाटएवर इज गेटिंग रिप्रेजेंटेड इनसाइड योर ब्रेन, राइट? क्योंकि ब्रेन के अंदर न्यूरल पाथवेज डेवलप होते हैं, एंड अ ब्रेन इन फंक्शन और अ ब्रेन इन एक्शन इज कॉल्ड माइंड। यानी कि माइंड क्या है? माइंड वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे ब्रेन नाम के हार्डवेयर में काम कर रहा है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन 5 senses से रिसीव हुई, ये कितनी रिसीव हुई ये डिपेंड करेगा कि हमारी एक्यूरेटनेस ऑफ सेंसेस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे माइंड के अंदर जो चीज स्टोर होती है इसे हम कहते हैं परसेप्शन। सो दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। अब परसेप्शन के बारे में एक बात समझिएगा कि मैं ये कह रहा हूं कि परसेप्शन डिपेंड करता है सेंसरी एक्यूटी पे, यानी कि एक्यूरेटनेस ऑफ योर सेंसेस पे। तो एक्यूरेटनेस ऑफ योर सेंसेस का मतलब क्या है? आपने देखा होगा, शायद आपको याद होगा कि बचपन में आपने ऐसे गेम्स खेले थे जब आपके पास 2 pictures होती थी और आपको कहा जाता था कि इस पिक्चर को देखो और इस पिक्चर को देखो, नाउ आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस, कि इसमें 10 differences क्या है, राइट? तो वहां पे कितने ज्यादा डिफरेंसेस आप ढूंढ पाएंगे ये इस बात पे डिपेंड करता था कि विजुअल सेंस की एक्यूरेटनेस कितनी ज्यादा है, यानी कि विजुअल सेंसरी एक्यूटी कितनी ज्यादा है।
सेम इसी वे में ऑडियो वर्क करता है। जब हम किसी साउंड को सुनते हैं या बच्चे ऐसा गेम खेलते हैं कि मैं चुटकी बजाता हूं और मेरा एक फ्रेंड है वो भी चुटकी बजाता है और आपको ये पहचानना है कि चुटकी किसने बजाई या ताली किसने बजाई, तो उस समय क्या होता है, आप जिस सेंस की एक्यूरेटनेस को स्ट्रेच कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, दैट इज योर ऑडिटरी सेंसरी एक्यूटी। आप अपने ऑडियो सेंस को ट्रेन कर रहे हैं। सेम इसी वे में हम बात करते हैं काइनेस्थेटिक की। बचपन में वो गेम तो जरूर खेला होगा जब एक बच्चे की आंखें बंद करके उसके सर को झुका दिया जाता था और बाकी उसके हेड पे या पीठ पे मारते थे और उसे ये बताना होता था कि सबसे पहले किसने मारा, राइट? तो हालांकि वो एक फनी गेम था हमारे लिए और कुछ लोग इरिटेट भी हो जाते थे उससे। बेसिकली क्या हो रहा है वहां पे, काइनेस्थेटिक यानी कि टच सेंस की एक्यूरेटनेस एक्सटेंड की जा रही है, यानी कि टच सेंस की ट्रेनिंग हो रही है। इन द सेम वे आप इस गेम को ऐसे भी खेल सकते हैं कि आप अपने सामने दो अपने फ्रेंड्स को रखिए और एक को कहिए कि आप मेरे हाथ को ऐसे टच करो और अपना नाम बोलो, और ऐसा वो दो तीन बार करे और आप रजिस्टर कर लें कि उसके टच से आपको कैसा फील हो रहा है। फिर आप सेकेंड पर्सन के साथ भी ऐसा ही करें, आप उसे कहें कि अब तुम टच करो और अपना नाम बोलो, और इस ड्यूरेशन में आप अपनी आंखें बंद रख सकते हैं ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टली, और फिर आप उन्हें कहें कि मैं आंखें बंद करता हूं, आप में से कोई एक टच करेगा और मैं गेस करूंगा कि ये किसका टच है। तो अब क्या होगा इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में होगा ये कि आप अपनी काइनेस्थेटिक सेंस को स्ट्रेच करेंगे, यानी कि अब वो सेम टच से आप ज्यादा इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं। आपको टेम्परेचर का भी एहसास हो रहा है, प्रेशर का भी एहसास हो रहा है, टेक्सचर का यानी कि किसका हाथ ज्यादा स्मूथ है और किसका खुरदुरा है, आपको इसका भी एहसास हो रहा है। तो इस वे में आप क्या कर रहे हैं, अपनी काइनेस्थेटिक सेंस को स्ट्रेच कर रहे हैं। इन द सेम वे ऐसे ही टेस्ट और स्मेल के लिए भी आप समझ सकते हैं कि कैसे आप टेस्ट में डिफरेंसेस को रीड करते हैं, कैसे आप दो डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस में यानी कि स्मेल्स में डिफरेंस को रीड करते हैं। अब ये जो सारी चीजें आप कर रहे हैं, इससे क्या हो रही है, इससे आपकी सेंसरी एक्यूटी डेवलप हो रही है, यानी कि एक्यूरेटनेस ऑफ योर सेंसेस डेवलप हो रही है। तो आपके सेंसेस जितने ज्यादा एक्यूरेट होंगे उतने ही ज्यादा क्वालिटी परसेप्शंस आप क्रिएट कर पाएंगे, यानी आपके परसेप्शन की क्वालिटी उतनी ज्यादा हाई होगी, वो रियलिटी के उतने ही ज्यादा करीब होगी। क्योंकि पूरी तरीके से हम रियलिटी को रजिस्टर नहीं कर सकते, जो भी हमारा परसेप्शन ऑफ रियलिटी है दैट इज लिमिटेड टू द थ्रेशहोल्ड्स ऑफ आवर परसेप्शन, यानी कि हमारे परसेप्शन का थ्रेशहोल्ड क्या है उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट कर देते हैं कि हम कितना रिसीव कर पाएंगे, यानी कितना परसीव कर पाएंगे। तो इसे कहते हैं परसेप्शन, राइट? अब अगली जो चीज आती है वो ये है कि ये तो वो रिसीव्ड इंफॉर्मेशन है जिसको हमने परसीव किया है, लेकिन क्या सिर्फ परसेप्शन ही हमारे लिए इंटरनल वर्ल्ड को क्रिएट कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके बाद भी एक और कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ये जो परसेप्शन है आपका, ये परसेप्शन आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग फिल्टर हो जाता है। यहां पे आपका माइंडसेट काम करता है, और माइंडसेट के अकॉर्डिंग जब ये चीजें फिल्टर होती हैं तो फिर जो क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्शन। और ये कॉन्सेप्शन ही आपका बेसिकली इंटरनल वर्ल्ड है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके फाइव सेंसेस ने इंफॉर्मेशन रिसीव की, वो कितनी इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्यूरेटनेस ऑफ सेंसेस क्या है। फिर उसके बाद आपने जो इंफॉर्मेशन रिसीव की है उस इंफॉर्मेशन को आपका माइंड मीनिंग देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो परसेप्शन है इसमें अभी कोई मीनिंग नहीं है, ये एक रॉ इंफॉर्मेशन के जैसा है, रॉ इनपुट है। इस इनपुट को आपका माइंड प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद कॉन्सेप्शन क्रिएट करता है, कॉन्सेप्ट डेवलप करता है कि ये जो इवेंट हो रहा है ये इवेंट एक्चुअली क्या हो रहा है। क्योंकि इवेंट इज इवेंट, जिंदगी में जो घटना हो रही है वो घटना हो रही है, किसी भी घटना का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता। इन एनएलपी वी से इवेंट्स हैव नो मीनिंग इन देमसेल्व्स, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट। किसी भी घटना का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता, हम उसे मतलब असाइन करते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं। तो वो मतलब कैसे असाइन करते हैं, वो हम असाइन करते हैं अपने माइंडसेट से होने वाले फिल्ट्रेशन के थ्रू। तो माइंडसेट में वो क्या चीजें हैं जो वर्क करती हैं, यहां पे बहुत सारी चीजें आती हैं, बिलीव्स, वैल्यूज,
decisions, focus, meta programs, फिजियोलॉजिकल स्टेट यानी कि आपकी बॉडी की स्टेट क्या है उस समय, और ऐसी ही कुछ और चीजें, और इन सब से मिलके ही जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं माइंडसेट, राइट। तो इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे माइंडसेट को डेवलप करता है, यानी कि माइंडसेट, माइंडसेट मींस सेट ऑफ सर्टेन थिंग्स। तो व्हाट थिंग्स? बिलीफ, वैल्यूज, डिसीजन, फोकस, मेटा प्रोग्राम, फिजियोलॉजिकल स्टेट, और इन सारी चीजों से मिलकर माइंडसेट बनता है। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं अपना माइंडसेट चेंज करो, लेकिन कभी आप उनसे ये सवाल पूछ के देखें कि एग्जैक्टली माइंडसेट का मतलब क्या होता है, माइंडसेट चेंज करने के लिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा माइंडसेट चेंज हो जाए, और क्या होगा माइंडसेट मींस सेट ऑफ व्हाट थिंग्स। इसी वजह से मैं रिकमेंड करता हूं कि हर वो इंसान जिसे मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, ट्रेनर बनना है, काउंसलर बनना है, कोच बनना है, उसे इस साइंस ऑफ माइंड NLP को जरूर लर्न करना चाहिए। ये NLP एक ऐसी ट्रेनिंग है, एक ऐसा साइंस है जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी में जिस भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं उसमें मैसिव रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का इससे ज्यादा बेहतर साइंस मैं नहीं जानता। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द साइंस ऑफ माइंड NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब माइंड, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज, वर्बल एंड नॉन वर्बल, और प्रोग्रामिंग का मतलब होता है वो एल्गोरिथम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिससे आप किसी एंड रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो मैं इस पूरे प्रोसेस को क्विकली एक बार रिवाइज कर देता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। जिंदगी में कोई भी घटना हो रही है उसे हम 5 senses से समझते हैं। 5 senses उस घटना, उस होने वाले इवेंट की इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं और हमारे ब्रेन को प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ये कितनी इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगी, उस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी क्या होगी, उसकी डेप्थ कितनी होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारी सेंसरी एक्यूटी यानी एक्यूरेटनेस ऑफ सेंसेस क्या है। और फिर ब्रेन में जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है उसे हम कहते हैं परसेप्शन, लेकिन जब ब्रेन उसे मीनिंग देने की कोशिश करता है तो क्या क्रिएट होता है, यहाँ पे हमने ब्रेन ने क्या किया है, इसे मीनिंग देने की कोशिश की है, या आप कह सकते हैं कि माइंड ने इसे मीनिंग देने की कोशिश की है। तो माइंड जब इसे मीनिंग असाइन करता है तो वो किसके अकॉर्डिंग करता है, वो करता है अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग। आज के मेरे बिलीव्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, मेरे डिसीजंस क्या हैं, फोकस कहाँ है, मेटा प्रोग्राम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें, और फिर क्रिएट होता है आपका परसेप्शन, सॉरी कॉन्सेप्शन, और कॉन्सेप्शन ही आपका इंटरनल वर्ल्ड है, बिकॉज कॉन्सेप्शन का मतलब कॉन्सेप्ट, योर कॉन्सेप्ट ऑफ द इवेंट दैट इज टेकिंग प्लेस, योर कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में जो हो रहा है उससे आपने किस तरह की इंटरनल वर्ल्ड क्रिएट की है, इंटरनल दुनिया क्रिएट की है, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट एजुकेशन, कैसे हमारा माइंड एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरनल वर्ल्ड तक पहुंचता है, क्रिएट करता है। इसे और डीप में जानना चाहे तो एक टॉपिक है NLP कम्युनिकेशन मॉडल, आप उसे समझ सकते हैं, राइट। सो दिस इज सो अमेजिंग, और मैं चाहता हूं कि आज आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के जरूर बताएं, ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपकी लर्निंग क्या है, या वो क्या है जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, राइट। और हाँ, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, मैंने अपना ऐप लॉन्च कर दिया था दिसंबर 2023 में, प्रोग्राम योर माइंड, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएगा। वहां पे कुछ फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसी वीडियोस हैं जो ट्रेनिंग वीडियोस हैं, और आप वहां से देख सकते हैं, और आप वहां से मेरे कोर्सेज, मेरे वर्कशॉप, सेमिनार्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम अभी मेरा रन हो रहा है, उसका नाम है मैजिक 365। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप उस प्रोग्राम में एनरोल करें, और अगर NLP सीखना चाहें तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, राइट। एंड लिव द लाइफ दैट यू डिजर्व। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑन द कमिंग फ्राइडे।